गाइज 20,000 के अंदर में सबसे बेस्ट फ़ोन था अब तक का पोको X3 प्रो। बट गाइज अब रेस्ट इन पीस पोको X3 प्रो, क्योंकि गाइज यहाँ पे IQ ने लॉन्च कर दिया है IQ Z3, जो कि 20,000 के अंदर में आता है और ये पूरी तरह से पोको X3 को बीट कर देता है। बट गाइज यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है IQ Z3 में, पोको X3 में एक प्लस एडवांटेज है, वो क्या है मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस हम कंपैरिजन करने वाले हैं पोको X3 प्रो और IQ Z3 के बीच, और जो सबसे पहला कंपैरिजन है वो इनके प्रोसेसर के बीच होने वाला है। तो यहाँ पे गाइस पोको X3 में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और IQ Z3 में भी क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन मिल जाता है प्रोसेसर। बट गाइस यहाँ पे जो प्रोसेसर में डिफरेंस है वो IQ Z3 में 5G का सपोर्ट मिलता है 768G में, जबकि आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 में 4G का ही सपोर्ट मिलता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यार यही है कि पोको X3 प्रो एक 4G फ़ोन है और IQ Z3 आपको 5G फ़ोन मिल रहा है। और गाइस यहाँ पे बात करें परफॉर्मेंस की, यानी कि जो गेमिंग हो या फिर कुछ भी हो वो सब कुछ दोनों में इक्वली परफॉर्म करेंगे। बस गाइस यहाँ पे जो फ़र्क है वो है 4G 5G का। और गाइस बेंचमार्क की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको 4.5 लाख तक आ जाएगा बेंचमार्क अगर आप लोग चेक करोगे तो। और यहाँ पे गाइस मेंशन भी किया गया है IQ Z3 के लिए 450K प्लस ANTU स्कोर, और गाइज मैंने चेक किया था स्नैपड्रैगन 860 का भी, तो इसमें भी 4.5 लाख का आपको बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे गाइज क्लियर विनर है IQ Z3, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस तो सेम मिल जाते हैं, बट गाइज जो 4G और 5G का फीचर है ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब लगभग से सारे लोग 5G फ़ोन पे ही स्विच हो रहे हैं, तो आपको IQ Z3 के साथ जाना चाहिए न कि 4G के साथ। और गाइस दूसरा बात है यहाँ पे गाइस कैमरा में भी IQ Z3 क्लियर विनर है। यहाँ पे गाइस 48 मेगापिक्सल का सेटअप मिल जाता है पोको X3 प्रो में, जबकि आपको IQ Z3 में 64 मेगापिक्सल का सेटअप मिल जाता है। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा ही 64 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल में, हालांकि यहाँ पे क्वैड सेटअप जो है पोको X3 में मिल जाता है, और यहाँ पे IQ Z3 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, बट फिर भी IQ Z3 का कैमरा है वो बेटर रहेगा। और यहाँ पे गाइस अब बात करते हैं बैटरी या फिर चार्जर की। तो गाइस यहाँ पे चार्जर में भी मैं इक्वल पॉइंट दूंगा दोनों को, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जर है पोको X3 प्रो में आपको 33 वाट का मिल रहा है, जबकि IQ Z3 में 55 वाट का चार्जर मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और गाइस बैटरी की बात कर लें तो 5160 mAh का बैटरी पोको X3 प्रो में मिल रहा है, और IQ Z3 में आपको 4400 mAh का बैटरी मिल रहा है। तो गाइस थोड़ा सा बैटरी जो है कम है IQ Z3 में, बट गाइस इतना चलता है क्योंकि 4400 mAh भी बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो जो 50% जो है वो आपका चार्ज 19 मिनट में ही कर देगा IQ Z3, तो दोनों को इक्वल पॉइंट दे देते हैं हम लोग। और अब गाइस बात करते हैं जो कि कूलिंग टेक्नोलॉजी है। गाइस दोनों ही डिवाइस में आपको कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, जिससे कि आपका जो डिवाइस है वो ज़्यादा हीट नहीं होगा गेमिंग में या फिर कोई भी आप हार्ड काम कर रहे हो या फिर। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो जो पोको X3 में है वो आपको लिक्विड कूल प्लस का टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, जिससे आपके डिवाइस को ठंडा करेगा। और यहाँ पे आपको 5 लेयर का टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है IQ Z3 में, जिससे कि आपका डिवाइस ठंडा हो कूल होगा। गाइस यहाँ पे जो डिफरेंस था बस IQ Z3 में एक डिसएडवांटेज यही है फ्रंट कैमरा। जी हाँ गाइस, यहाँ पे जो IQ Z3 में फ्रंट कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है, और जबकि पोको X3 प्रो में आपको 20 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे गाइस जो डिफरेंस है कैमरा, यानी कि पोको X3 में बस केवल एक ही चीज़ अच्छा है कि उसका जो कैमरा है फ्रंट का, केवल फ्रंट का, वो बेटर रहेगा IQ Z3 से। वैसे गाइस 16 और 20 मेगापिक्सल में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बट फिर भी फ़र्क हो जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस क्लियर विनर है पोको X3 प्रो, क्योंकि उसका जो फ्रंट का कैमरा था वो अच्छा था। और गाइस बात करते हैं डिस्प्ले की, तो गाइस दोनों ही डिस्प्ले में आपको फुल HD प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, और 120Hz का रिफ्रेश रेट दोनों में ही मिल जाता है। सो यहाँ पे गाइस केवल एक ही कमी है IQ Z3 में, वो है फ्रंट कैमरा, 16 और 20 मेगापिक्सल का फ़र्क है। लेकिन गाइस ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 16 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल लगभग से सेम ही आएगा। और यहाँ पे गाइस प्राइस की बात कर लें तो प्राइस में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है थोड़ा सा। यहाँ पे आपको जो 6GB का रैम वाला है वो आपको 19,000 रुपये में मिल जाएगा पोको X3, जबकि आपको यहाँ पे 20,000 रुपये आपको देने होंगे वीवो IQ Z3 के लिए। बट गाइस आप 1,000 लगा करके आप लोग IQ Z3 को ही बाई करना, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ज़्यादा बेटर है पोको X3 प्रो के लिए। क्योंकि गाइस इससे पहले 20,000 के अंदर में सबसे बेस्ट फ़ोन था पोको X3 प्रो, बट गाइस अब ऐसा नहीं रहा, अब आप लोग IQ Z3 को आराम से बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे
ज़्यादा जो प्लस पॉइंट है वो है कि ये फ़ोन जो है वीवो IQ Z3 वो 5G फ़ोन है और सारा कुछ परफॉर्मेंस से लेकर के सारा कुछ इसमें बेटर है पोको X3 से, लगभग से सेम है बट फिर भी बेटर है वीवो IQ Z3।